वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गाइस, पहले YouTube ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम कंटेंट अपलोड करके बहुत ही सारे पैसा कमा सकते थे, लेकिन आज के डेट पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग अपना कंटेंट डाल के बहुत ही सारे पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आप लोगों ने शेयरइट का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉपुलर डाटा ट्रांसफर मोबाइल एप्लीकेशन था। तो गाइस, शेयरइट लेके आ गया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपना कंटेंट, यानी कि आप वीडियो, ऑडियो या आर्टिकल जो भी पब्लिश करके बहुत ही सारे पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप वहाँ पे कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, और आप कैसे वहाँ पे वीडियो अपलोड करेंगे और मोनेटाइजेशन को कैसे इनेबल करेंगे और बहुत ही सारे पैसा कैसे कमा सकते हैं। और वीडियो के एंड में कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वीडियो रिव्यू में ज़्यादा टाइम नहीं रुकेगा, बहुत ही जल्दी पब्लिश हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहन है और मैं स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल टेकिन पे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जब कभी भी आप शेयरइट यूज़ करते हैं कुछ डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि कभी कभी आपको नोटिफिकेशन आता है कुछ वीडियोस का, नहीं तो शेयरइट एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। तो उसी वीडियो पे अगर कोई क्लिक करता है, और नहीं तो आप अगर किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो जो वो वीडियो को अपलोड किया होगा उससे कुछ पैसा मिलता होगा। तो वैसे ही अगर आप वीडियोज़ अपलोड करेंगे शेयरइट पे और कोई उस पर क्लिक करके प्ले कर रहा है तो उसी से आपको अर्निंग हो सकता है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ शेयरइट ओपन करके। देखिए, शेयरइट मैंने ओपन किया, तो जैसे ओपन किया होम पेज पे ही देखिए वीडियो बफरिंग पे दिखा रहा है, और ये बिना इंटरनेट के ही प्ले हो जाएगा, क्योंकि जब भी आपका इंटरनेट एक्टिव होता है तो उसी टाइम में डाउनलोड करके रख लेता है। तो देखिए, बहुत ही सारे वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल है जो कि ऑफलाइन मोड में ही प्ले हो सकता है। और अगर मैं इस वीडियो को, किसी वीडियो को प्ले करूँगा तो उसके ओनर, यानी कि जो इस वीडियो को अपलोड किया है शेयरइट पे, तो उससे अर्निंग हो जाएगा। तो वैसे ही अगर आप वीडियोज़ अपलोड करेंगे और आपका वीडियो कोई प्ले करता है तो आप भी यही से बहुत ही सारे पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं ले चलता हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और वहाँ पर आपको दिखा दूँगा आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे और कैसे वीडियो अपलोड करेंगे और कैसे आप मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकते हैं। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और वहीं से आपको गूगल में जाके आपको टाइप करना होगा शेयरइट विज मीडिया। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो पहले में ही आ जाएगा शेयरइट विज मीडिया का web.mp.wshareit.com का, तो उसको आपको ओपन कर लेना होगा। तो जैसे आप ओपन करेंगे आपको लॉगिन या साइन अप करने के लिए पूछेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ आप फेसबुक अकाउंट यूज़ करके ही लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं, कोई सेकंड वे नहीं है यहाँ पे। तो आपको अपना फेसबुक अकाउंट यूज़ करके यहीं पे साइन अप करना होगा। तो मैं साइन अप कर चुका हूँ, तो लॉगिन कर लेता हूँ मैं। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा आप कैसे कुछ कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं पोस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है वीडियो अटलास एंड म्यूजिक का, तो आप यहाँ पे वीडियो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अटलास और म्यूजिक, ये अभी आया नहीं है, क्योंकि अभी ये शेयरइट का प्लेटफॉर्म अभी ही शुरू हुआ है तो थोड़ा टाइम लग सकता है आने के लिए। तो ये म्यूजिक का प्लेटफॉर्म है और ये अटलास यानी कि आर्टिकल्स का, तो आप आर्टिकल्स भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहीं पर आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, आपका वीडियो साइज 2GB से कम होना चाहिए और आपका 720p का वीडियो होना चाहिए। यानी कि आप अगर 720 पिक्सल से ज़्यादा क्वालिटी का और रिजोल्यूशन का वीडियो अपलोड करते हैं तो यहाँ पे नहीं लेगा। तो इसीलिए आप जब भी वीडियो शूट करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो आप 720p रिजोल्यूशन पे सेट करके यहाँ पे डालिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसके बाद आपको कंटेंट में जाना होगा। तो यहाँ पे आपको पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहीं से आप वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ एडिट्स वगैरह करना है तो आप ड्राफ्ट्स में सेव करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको एनालिटिक्स का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यूट्यूब पे मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके कितने फैंस हैं, कितने क्लिक्स गए हैं आपके वीडियो के ऊपर, आप कितने लाइक्स मिला है आपके वीडियो को। तो आप एक यस्टरडे करके देख सकते हैं, वीकली वाइज देख सकते हैं और मंथली वाइज भी देख सकते हैं। तो एक बढ़िया एनालिटिक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके आपका वीडियो का एनालिटिक्स देख सकते हैं। तो अब चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि अर्निंग का है।
तो यहाँ पे अर्निंग के टैब में आपको मिल जाएगा आप कितना अर्निंग किए हैं, यानी कि आप एक दिन में कितना अर्निंग किए हैं या एक मंथ में, और टोटल अर्निंग आपका कितना है, तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको विड्रॉ अर्निंग्स का ऑप्शन पे जाना होगा जब आप विड्रॉ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बेंचमार्क दिया गया है जो कि 3,000 रुपये का है। जब भी आपका अर्निंग 3,000 रुपीज हो जाएगा उसके बाद ही आप इस अर्निंग को विड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अर्निंग विड्रॉ करने के लिए सिर्फ एक ही सिस्टम दिया गया है और वो है पेटीएम का। तो आप अपना यहाँ पे पेटीएम का अकाउंट, फोन नंबर, नेम, पैन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो जब भी आपका 3,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा अर्निंग, तो यहीं से आप पेटीएम में अपना अर्निंग को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन जो कि सेटिंग्स है। तो यहाँ पे आप अपना प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, और आप यहाँ पे आपका कुछ इंट्रो दे सकते हैं और आपका ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यह रहा पूरा प्रोसीजर, आप कैसे यहाँ पे अकाउंट ओपन करेंगे, कैसे वीडियो अपलोड करेंगे और कैसे यहाँ से अर्निंग करके अपना पेटीएम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि लास्ट में कुछ टिप्स बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही जल्दी पब्लिश हो जाएगा। तो फ्रेंड, जब भी आप यहाँ पे पोस्ट पे जाके वीडियो अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको YouTube जैसा ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी वीडियोस आप YouTube पे अपलोड किए हैं वो वीडियो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और वहाँ उसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन भी सेम रख सकते हैं। लेकिन जो हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वगैरह दे देते हैं, जैसे कि हमने कुछ अनबॉक्सिंग किया तो उस प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते थे, तो वो सब लिंक्स यहाँ पे हमें नहीं देना है। अगर यहाँ पे लिंक्स वगैरह हम लोग ऐड कर लेंगे तो वीडियो पब्लिश नहीं होगा और रिजेक्ट कर लेंगे वो लोग। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो लिंक्स वगैरह देते हैं किसी चैनल का या किसी प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे कुछ भी मत दीजिए। सिर्फ आपको सिंपल एक टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना होगा और यहीं पे वीडियो अपलोड कर देना होगा। तो ये सब प्रोसीजर आप फॉलो कीजिएगा तो आपका वीडियो ज़्यादा टाइम रिव्यू में रुकेगा नहीं और बहुत ही जल्दी पब्लिश हो जाएगा। तो गाइज, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर कुछ आपके क्वेरीज है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस अपलोड करूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस उतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।